हेलो दोस्तों, सर ठाकुर, नेगोशिएट कैसे करें? हाउ टू नेगोशिएट? सबसे पहले तो रिसर्च कर लो, जो भी प्राइस है या जो भी नेगोशिएट करने, जितना भी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना भी रिसर्च रहेगा, जितना होमवर्क रहेगा, वो जीतने के आपके चांस है। सामने वाला इतना प्रिपेयर होके नहीं आ रहा है, मतलब कैसे, वो डंडे से लड़ने आ रहा है, अपन बंदूक लेके जा रहे हैं, तो कौन जीतेगा? तो वो प्रिपरेशन आपको कर लेनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि अंडरस्टैंड योर ऑब्जेक्टिव्स, कि अपन जो मीटिंग पे बैठने वाले हैं, जो भी बात होने वाली है, मुझे चाहिए क्या, आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्लियर अपने दिमाग में होना चाहिए। चाहे मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम होना चाहिए कि ये क्यों कर रहा हूँ, नहीं तो आप भटकते रहोगे इधर उधर। तो वो आउटकम बता, और फिर उसका सेकेंड ऑप्शन भी, अल्टरनेटिव भी रहना चाहिए। मैंने सोचा, जरूरी नहीं कि सामने, क्योंकि दो पार्टी इन्वॉल्व है ना, आपके हिसाब से ही सब हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर नई बात बनती है तो फिर क्या, प्लान बी क्या, प्लान सी क्या, कम से कम दो और अल्टरनेटिव रखो, उसको बांटना बोलते हैं, मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएट एग्रीमेंट। तो वो भी एक आपके होने चाहिए। और क्या आपको हेल्प करेगा इसमें, सामने वाले के बारे में भी बहुत रिसर्च करो, किसके साथ अपन बात कर रहे हैं, क्या है, तो क्या रिसर्च करेंगे सामने वाले का, उनकी नीड क्या है वो समझो, हॉट बटन क्या है, इंटरेस्ट क्या है उनका, है क्या नहीं, तो ये कुछ उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, थोड़ा सा ये समझोगे तो आपका हाई रहेगा। जितना आप नॉलेज लोगे ये सब चीज़ में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं कॉन्फिडेंस बोला तो ऐसे नहीं कि आप अग्रेसिव रहो, एकदम दबंग बन जाओ, उन पर हावी हो जाओ, या सामने वाले का रिस्पेक्ट ही मत करो, आप क्या, मैं देखो मेरे को कितना है, तो वहाँ पे बात गड़बड़ हो जाएगी। रिस्पेक्ट अपने को करना है सामने वाले का, हर जगह पॉजिटिव रहने का। कभी कभी हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो जो आपको नहीं चाहिए, पर वो काम कंपोज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एकदम से उसमें तिल मिला जाओ। तो वो पॉजिटिव अपना रवैया एकदम बना के रखो। और क्या करने का, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ज़्यादातर अगर आपको नेगोशिएशन में जीतना है तो याद रखो 70% सामने वाले ने बात करना चाहिए, 30% आपने बात करना चाहिए। किससे भी जो ज़्यादा बोलेगा समझो उसी का नुकसान होगा। बोलते हैं पर्स और जुबान को जितना कम खोलोगे अच्छे में रहोगे। कम बात करने का, जहाँ जरूरी है उतना बात करने का, कॉन्फिडेंस से एकदम असर्टिव होके बात करने का। और अपनी प्रियोरिटी अपने को मालूम चाहिए, ऐसे नहीं कि सामने वाले ने ही गेम कर दिया, वो भी सब ट्रेंड होके आया, उसने भी ये वीडियो देखा था, वो अपना भी गुरु निकला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एकदम, मतलब बॉटम लाइन क्या है मालूम होना चाहिए नेगोशिएट करने बैठा तो, ये लास्ट है बस। तो एक्टिव लिसनिंग इसलिए बहुत जरूरी है, ये सब करने के लिए ना मैं ये एक चीज़ का ध्यान देता हूँ, बहुत ही एक्टिवली, अच्छा मतलब ध्यान से सुनता हूँ वो मीटिंग को, और जहाँ जहाँ कुछ है ना, तो जैसे एम्पथी हम बोलते हैं, या ऐसे कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मतलब आपका कंसर्न मैं समझ रहा हूँ, आप क्या बोलना चाहते हो, एंड रीड बिटवीन द लाइन्स। खाली वो शब्द मत समझो, क्यों बोल रहा है शब्द, उसके पीछे का मीनिंग भी आप देखो ध्यान से। तो अपन नेगोशिएट कर रहे हैं पैसे में, हो सकता है अगर टाइम बदले में अपन मांग ले, ये मतलब कहाँ पे मैं उसको दूसरी तरह से कर सकता हूँ, बदले में कुछ और दूसरा है क्या, ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे जाएंगे, बट मैं आपको जो की ना प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, बता दिया कि क्वेश्चन पूछने का, और ओपन एंडेड, ऐसे नहीं कि यस या नो बोलो और ख़त्म करो, फिर तो नहीं जमेगा। जो देखो मीटिंग में ऐसा उठ जाते हैं, ये है वो नहीं, ओपन, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से बोलो, फिर वो उसके हिसाब से बताने दो, फिर उसने बताया 10 मिनट बोलने का, आपको ऐसा क्यों लगता है, सुनूंगा मैं, अच्छा, पर आपने ऐसा क्यों सोचा, फिर एक क्वेश्चन करूंगा। जब बहुत बोले तब फिर मेरे को पूरी अंडरस्टैंडिंग आती है, पूरा मैं समझ जाता हूँ, ऐसा बोल रहा है तो क्या है, कितना इसको नॉलेज है इसके बारे में, नहीं है, और कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है।
ये चीज पे अपन आराम से काम कर सकते हैं। तो ऐसे मैं कुछ ना कुछ नेगोशिएट पे करता हूँ। अगर आपको इसका डिटेल में ए टू जेड चाहिए तो मैंने इसको एकदम बोर्ड पे एक एक पॉइंट को ऐसा क्लियर किया है, 2 घंटे का कोर्स बनाया है नेगोशिएशन का सनत। अगर आप मोबाइल पे चाहते हो, मेरा ऐप है SANAT, वहाँ पे जाके नेगोशिएशन का कोर्स बाय कर लो, 500-1000 रुपये में है, बहुत कमाई होगी। अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट है sanatthakur.com, वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको पूरा शुरू से एंड तक 0 to 0 आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।